दोस्तों आज हम लेके भाई अपनी फॉर्चुनर निकल पड़े। कहाँ निकल पड़े? द्वारका एक्सप्रेस वे। बाहर निकलते ही हमने सीधा पकड़ा। उसके बाद में जैसे ही हम NH-48 पे चढ़े तो वहां देखा यार दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। चलो कोई बात नहीं, NH-48 के लाजवाब नजारों का मजा हम लेना कभी नहीं भूल सकते हैं। और लाजवाब गानों का मजा लेते लेते आखिरकार हम पहुंचे जयपुर। और जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले हमने एलिफेंट्स पर राइड करी, इसको कहते हैं दोस्तों एलिफेंट सफारी करी। उसके बाद में भाई रोप वे का मजा लेते हुए आखिरकार हम पहुंचे पहाड़ों पे माता रानी के दर्शन करने। हम कभी नहीं भूलेंगे जब माता रानी का दर्शन करा है तो खोले के हनुमान जी को हम शीश नवाते हैं भाई, शीश झुकाते हैं। उसके बाद में अब बारी थी पुष्कर मुख करने की, तो चलो आओ ब्रह्मा जी का एकलौता टेंपल जो विश्व में है उसमें हमने दर्शन करे। तो कुछ इस तरीके से बीता आज का ये अपना दिन। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज GPS ने कहां कहां उल्टे पुल्टे हमें फंसाया, जान बचा के हम आगे कार कैसे आगे बढ़े, वो सब आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले भाई, अब हम यहाँ से ना जोधपुर के लिए निकल तो रहे हैं। बीच में रास्ते में जहाँ कहीं भी अगर हमें लगेगा कि हम थकान हो गई है तो हम वहीं पर ही हॉल्ट ले लेंगे, आराम से वहीं पर रेस्ट कर लेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं लगेगा तो आराम से हम जोधपुर को टच करके वहीं पर ही 2 नाइट्स का स्टे ले लेंगे। देखते हैं, जैसे भी होता है गाड़ी होने का यही फायदा होता है कि आपको किसी भी ट्रैवल एजेंट या किसी भी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। अपनी गाड़ी है, जहाँ मन करे वहाँ, जहाँ पसंद आए आपको होटल में रूम लो, आराम से रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट डे आप अपनी मन मर्जी के मालिक हो। तो चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए फटाफट चलते हैं, आगे का रास्ता सफ़र तय करते हैं। देखो जी किस तरीके का रास्ता भैया ये वाला है, बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो वीराना डरावना टाइप का रास्ता है। कोई बात नहीं यार, अब ऐसा है ना, देखो पार तो करना ही है, GPS ने दिखाया था ये रास्ता, तो क्या कर सकते हैं। हाईवे पे टच तो कर ही रहा है, 15 किलोमीटर का रास्ता टोटल दिखा रहा था, 7 किलोमीटर या 6.8 किलोमीटर इस टाइम पे टोटल रह गया है। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं भाई, बस प्रभु का नाम लेके आराम आराम से पार करते चले जाओ। ऐसे रास्ते में ना कभी भी गाड़ी रोकनी नहीं चाहिए, बड़ा सुनसान रास्ता है। देख लो अब पता नहीं पुष्कर को किस तरीके से, कौन से बाईपास से पार कर रहा है, क्या कर रहा है, ये तो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास में कि अब मैं मैप को खोल के और पूरी डिटेलिंग देखूं। बट मैंने तो बस मैप को फॉलो कर लिया था, और देख लो किस तरीके का रास्ता दिखाया। बहुत बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम मैप को फॉलो कर लेते हैं तो आधी रात के टाइम पे भी औने पौने रास्ते ऐसे दिखा देगा। अब जैसे रात का टाइम जो अगर आप देखोगे ना तो रात का हो तो सब आठ ही रहे हैं, बट कोई नहीं, राजस्थान है, बस प्रभु का नाम लेके ना इस रास्ते को पार करते चले जाओ फटाफट। और हाईवे पे मिलते हैं तो फिर मैं आपसे दोबारा से रूबरू होता हूँ। अब बड़ी मशक्कत से तो भाई बाहर की तरफ अब निकले, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बेकार रास्ता था जो भी हम पार करके आए, कभी 7 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, कभी फिर 10 किलोमीटर हो जाता, फिर आखिरकार वो 25 किलोमीटर दिखाने लगा कि भैया आप NH यानी कि नेशनल हाईवे पे टच कर जाओगे। उसके बाद में अब ये देखो ये नेशनल हाईवे है 458, बताओ ये ऐसा नेशनल हाईवे होता है, स्टेट हाईवे लग रहा है जिस कंडीशन में ये है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है भाई। देखो अब एक जो टर्न हम ले चुके हैं नेशनल हाईवे के लिए मतलब जोधपुर पहुंचने के लिए, तो भैया उसको तो फिर फॉलो करना ही पड़ेगा ना। ओरिजिनल रास्ता तो देखो कुछ और ही होगा, जो बढ़िया वाला होगा वो तो तभी पता चलेगा जब हम जोधपुर से वापसी दिल्ली का सफ़र तय करेंगे। चलो अब तो चलते चले जाते हैं, अभी भी आप देख लो कितना टाइम दिखा रहा है, तकरीबन 2 घंटे 10 मिनट के आसपास ये दिखा रहा है कि हमें लग जाएगा अभी जोधपुर पहुंचने में। और लग रहा है भाई कि बीच रास्ते का जो प्लान था ना अपना कि हम कहीं पर बीच रास्ते पे अपना कोई होटल वगैरह ले लेंगे, तो वो तो अब प्लान कारगर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई को होटल आएगा भी, और आएगा भी तो भैया यहाँ तो नहीं लेने वाले। तो इसलिए जो है अब सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 11:30 बजे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे जोधपुर, तो 11:30 बजे ले लेंगे भाई वहाँ पर होटल, और क्या, ठीक है ना। हाँ खाना पीना तो खा ही रखा है थोड़ा बहुत, बाकी और जरूरत पड़ेगी तो बिस्किट्स वगैरह और ये दूध की एक पैकेट ले लेंगे रास्ते में से, अगर कुछ ऐसा दिखता है तो।
चलो जी अभी फिलहाल तो हम स्ट्रेट चलते चले जाते हैं, 14 किलोमीटर ये वाला रास्ता भी पार करते हैं। 14 किलोमीटर पता नहीं कितने कितने किलोमीटर है, देखो टोटल कितना किलोमीटर आ रहा है, 112 किलोमीटर है जोधपुर तक। चलो पार करते हैं। पार करते करते रास्ता भाई काफ़ी पार तो हो ही गया है, तकरीबन अब ना एक ही घंटे का रास्ता रह गया है जोधपुर तक का। तो चलो भगवान की दया से वो हाईवे भी ख़त्म हुआ। हाईवे क्या था यार पता नहीं, मतलब परेशानी हो गए थे उसमें तो, जो छोटा सा अंदर से रास्ता जा रहा था जो कि पुष्कर के वहाँ से जोधपुर के लिए रास्ता मैप ने दिखाया था। अब नेशनल हाईवे 25 पे अब हम टच कर चुके हैं, घंटे भर में पहुँचते हैं, वहाँ पे रूम वूम लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं और उसके बाद में फिर कल पूरा का पूरा जो जोधपुर है वो एक्सप्लोर करेंगे। आपको भी जितनी सारी चीज़ें हो पाएंगी भाई जोधपुर के वहाँ पे तो वो सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। रात को जाते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बाद में कल ताकि हम जो है आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखा पाए। अब बात ये है कि रूम अगर रीजनेबल रेट पे मिल जाता है तो भाई दो नाइट का तो रूम लेना है, 3-3 हज़ार रुपये के आसपास जो है ना मिलते हैं। बट अगर सही आपकी तुक्का बैठ जाए ना, सेटिंग बैठ जाए तो भैया 2,000-2,500 में भी जो है ना, 2,000 में भी जो है ना मैंने रूम ले रखे हैं, इंक्लूडिंग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और A1 टपा टप रूम बिल्कुल। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अगर ऐसा कुछ जुगाड़ लगेगा तो भाई फिर तो नेचुरल सी बात हम करेंगे, और अगर नहीं लगता है क्योंकि रात का 11 बज भी जाएंगे, 11:15 बज जाएंगे तो 10 तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, घंटे भर का जैसे रास्ता रहना तो 11 तो बज जाएंगे, तो उस टाइम पे थोड़ी सी मजबूरी हो जाती है कि भाई हाँ टाइम से रूम लेने के लिए ताकि आप भी रेस्ट कर सको, आपकी फैमिली भी होती, तो तब 400-500 का मुँह नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए रूम लेना पड़ता है। चलो अब चलते हैं आगे, रास्ता फटाफट कवर करते चले जाते हैं और आगे मिलते हैं आपसे जोधपुर। अरे अगर बीच में कुछ बढ़िया था दिखाने के लिए आएगा तो बस दोस्तों दिखाएंगे तो है ही ना आपको। चलो अभी तो आगे चलते हैं। जोधपुर तो हम पहुंच चुके हैं भाई, सामने जो है ना जोधपुर की सिटी है या कुछ भी कह लो, होटल हमने देखा है वहाँ पे आगे सामने होटल पड़ेंगे। और हम ना आधा लीटर दूध ढूंढ रहे थे ताकि हम आराम से कुछ खाना पीना खा सकें, खाना पीना गया, थोड़ी सी चाय बना लेंगे, बिस्किट खा लेंगे क्योंकि इस टाइम पे देखो टाइम जो है ना 11:15 बजने वाले हैं। तो यहीं पर ही हमें दूध भंडार मिल गया, तो चलो आओ दूध ले लेते हैं आधा लीटर और फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलो जी दूध ले लिया है आधा लीटर, जो पैक्ड आता है पैक्ड वाला तो वैसा नहीं था बट ठीक है, बट उससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये दूध लग रहा है। बॉईल कर लेंगे उसके बाद में चाय बनाएंगे, आराम से प्रभु के गुण गाएंगे, बस बढ़िया था यार होटल मिल जाए रीजनेबल रेट पे मिल जाए, ये बड़ी मेन चीज़ होती है। तो चलो जी ढूंढ लेते हैं, थोड़ी देर का रास्ता रह रहा है पहले इसको, यहाँ पर वैसे भी जगह नहीं है कोई नहीं, पहुँच जाएंगे इतनी देर में। तो मैं तो ये इस तरफ कहीं पे आए हैं भाई, लिकर इंडस्ट्री को मत देखो, इसका होटल का नाम है पार्क बुटीक अ यूनिट ऑफ HST होटल्स। तो चलो देख लेते हैं भाई अब इनके पास में क्या रेट पे रूम्स वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि इसके आगे भी और हैं होटल्स और इसके सामने ना फ़ायदा ये है वो देखो वहाँ पे रामजी स्वीट्स, रामजी रेस्टोरेंट, खाने पीने के ठीक ठाक ऑप्शन भी अवेलेबल है सामने, तो रुके भी हुए लोग। चलो राजस्थान की तो सारी तरह राजस्थान की गाड़ियाँ होती है। चलो जी देखते हैं अंदर किस रेट पे अवेलेबल है आपके पास में रूम। अब हम आगे भाई मैपल करके कोई होटल है यहाँ पे, क्योंकि वो जो भी मैंने अभी आपको होटल दिखाया ना वहाँ पे एक दिन की तो अवेलेबिलिटी थी 2,500 का जो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया था कि 2,500 इंक्लूडिंग दी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कितने का ऑफ़र हो रहा है, चलो देखते हैं भाई, और उसके बाद में अगर यहाँ पर पसंद नहीं आएगा तो फिर वहीं पर ले लेंगे। लो भाई कुछ जो होटल है कुछ इस तरीके का अंदर से दिखता है। चलो आओ एक बार रूम भी देख लेते हैं।
कैसा है कैसा नहीं है, पसंद आता है तो फिर ले लेंगे, नहीं तो फिर अपना छोड़ देंगे। इस तरीके का कुछ वॉशरूम मिल जाता है, कहाँ से खुलेगा। ओके, ये आपको बात के लिए एरिया मिल जाता है। यहाँ पर अपना मीटिंग वाला एरिया मिल जाएगा। होटल तो ठीक है, वैसे पूरी अच्छी खासी लॉबी है, काफ़ी सारे रूम्स हैं, पार्किंग गाड़ी के अंदर ही होती है। बट वो वाला जो 509 रूम था ना, वहाँ पे थोड़ा ना कॉकरोच घूम रहे थे बाहर भी अंदर की साइड भी जो है ना। और इन्होंने जो रेट दिया है 3,200 रुपये बोल रहे थे, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और इंक्लूडिंग GST वगैरह सब कुछ मिला के। तो देखो बाकी बोल रहे थे 101 रुपये कम कर लेना, मैं चलो ठीक है देखते हैं, कोई बात नहीं। बाकी पहले एक बार रूम सेट हो जाए तो उस हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे 2 दिन का अवेलेबल था तो 3,000 रुपये इंक्लूडिंग GST और इंक्लूडिंग मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इन्होंने दे दिया। तो ठीक है, अपना रिलैक्स हो जाता है ना यार, अगर ये मान के चलो मैं 2,500 रुपये में वहाँ पे ले भी लेता, फिर सुबह 10-11 बजे फिर मेरे को चेकआउट करना पड़ता, फिर सारा सामान इकट्ठा करो, फिर डालो, फिर गाड़ी में लेके जाओ, फिर कहीं जहाँ भी आप जितने भी फोर्ट्स में जाओगे या जहाँ जो भी डेस्टिनेशन में जाओगे वहाँ पर जो है ना हर जगह जा जाके फिर सामान को ढोते रहो, और उसके बाद में रात को फिर वही चक्कर था फिर कि भैया दोबारा से रूम लेना है, तो वो सरदर्दी नहीं चाहिए थी। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे रूम ले लिया है। यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, सेंट्रलाइज्ड AC इस तरफ चल रहा है आराम से, ठीक ठाक टेम्परेचर हो गया है, मगर फिर भी ना मैंने भैया को बोल दिया है कि मैंने कहा यहाँ पर जो ये विंडो है ना इसका लॉक आप फिर भी ओपन कर दो तो हमें थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, अगर बाई चांस रात को हमें कुछ सफोकेशन या ऐसे कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि रात को ना ये 12-1 बजे तक ये बंद कर देते हैं AC को, तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो हम विंडो ओपन करके आराम से रिलैक्स हो जाएंगे। बाकी रूम का साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है, देखो वहाँ से भी अच्छा है, और ये रहा ये देख लो जिस तरीके का भाई वहाँ पर जो जयपुर में हमने 3,000 रुपये का लिया था ना, तो रूम स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया था, ये कम से कम वर्थ इट है। चलो तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं जोधपुर को एक्सप्लोर करते हुए, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट डे जो है फिर वो दिल्ली के लिए अपना रास्ता स्टार्ट करेंगे। तो चलो आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।